अस्सलाम वालेकुम। एडवर्टाइजिंग के सब्जेक्ट के अंडर आज जो हम चैप्टर को स्टडी करेंगे दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग इज कि आप किसी चीज को प्लान करते हो, आप किसी चीज के बारे में कोई आइडिया बनाते हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी कंपनी के गोल्स को, मिशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आउटकम के साथ मैच करके जो स्ट्रेटजीज, जो प्लान, जो एक पेपर वर्क बनाया जाता है उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आज हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे जो कि एडवर्टाइजिंग से या मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और फर्दर हम उस चीज को थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्दर। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड विद मार्केटिंग कम्युनिकेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस के अंडर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हो, यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, और फिर मार्केटिंग के टूल्स को ही यूज करते हुए आप दैट कैन बी सॉल्व विद मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उन्ही टूल्स को यूज करते हुए आप एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक जो है एक ब्रॉडर टर्म है, तो सबके सब सब्जेक्ट एरियाज हों, आइदर मार्केटिंग है, आइदर कम्युनिकेशन है, आइदर फाइनेंस है, आइदर एचआर है, आइदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यू आर गोइंग टू प्लान स्ट्रेटेजिकली। लेकिन जब आप मार्केटिंग के अंदर या मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे तो आपकी गोल्स, ऑब्जेक्टिव और आपके जो आउटकम्स हैं वो सबके सब मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे। डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग ऑन स्ट्रेटेजीज एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्टिक्स। किस तरह से ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इम्प्लीमेंट होगी कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन करेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करेंगे और उन स्ट्रेटेजीज को फुलफिल करने के लिए अपने टैक्टिक्स को या अपने शॉर्ट स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? अ गोल यू वांट टू अकम्प्लिश, ठीक है। स्ट्रेटेजी मींस अ डिजाइन और प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, एंड टैक्टिक्स आर द एक्शंस टू एग्जीक्यूट द प्लान। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान है, यानी एक ह्यूज प्लान है, एक जिसे कहते हैं एक बिग प्लान है, एक मैग्नीट्यूड में एक बड़ी चीज है, वो एक बिजनेस प्लान है। और उसी बिजनेस प्लान के अंडर आपका फाइनेंस का प्लान आएगा, फिर आपका मार्केटिंग का प्लान आएगा, फिर आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड प्लान आएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लान आएगा। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए फर्दर मार्केटिंग प्लान को पढ़ने से पहले कि बिजनेस प्लान क्या होता है। The business plan and marketing plan provide direction for advertising planning and other areas. Business plan और marketing plan provide करते हैं आपको directions regarding planning for advertising and other areas. तो सिर्फ advertising से related नहीं, दूसरे areas और business से related भी आपका जो है जो business plan है उसके अंदर आप चीजों को study करते हैं। The business plan may cover an SBU. देखिए, एक कंपनी होती है उसके डिफरेंट SBUs होते हैं ना, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो एक बिजनेस प्लान आपका एक SBU को भी कवर कर सकता है, विच इज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑल ऑफरिंग्स ऑफ अ ब्रांड। एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, या सबके सब जितने भी आपकी ऑफरिंग्स हैं आपके ब्रांड की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उनको एज अ होल भी टारगेट कर सकते हैं। तो बिजनेस प्लान के अंदर आप यूजुअली किस चीज को टारगेट करते हैं? प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रेवेन्यू अर्नड अबव द अमाउंट इन्वेस्टेड। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की तो मुझे कितना रिटर्न हुआ? 50,000 प्लस 10,000। 50,000 वॉज माई इन्वेस्टमेंट एंड 10,000 वॉज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस प्लानिंग स्टार्ट्स विद अ मिशन स्टेटमेंट एंड with a mission statement and expression of goals and policies. Business का जो plan है वो mission statement के start या mission statement को devise करने से start होता है। और mission statement चीज क्या है? It is an expression of goals and policies. Steps in business plan. Business plan बनाने के क्या steps हैं? तो let's see what are the general guidelines for making a business plan. Business मिशन स्टेटमेंट, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि बिजनेस प्लान स्टार्ट्स विद द मिशन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेप इज मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। फिर आप रिसर्च करोगे अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुका आपका पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर, लीगल फैक्टर्स हो गए। इसी तरह इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस आ जाएगी आपकी स्वॉट एनालिसिस, आप स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को, इन सारी चीजों को आप स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट वन इज गोल फॉर्मेशन. आपको क्या चीज चाहिए या क्या चीज आप एक्वायर करना चाहते हो, या आपकी कंपनी का एक्चुअली गोल क्या है, किस चीज को, किस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो है आपका गोल फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन. उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स या क्या प्लान को यूज किया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएंगे, क्या मीन्स या क्या वेज जो है या मूव यूज की जाएंगी उस गोल को अचीव करने के लिए. उस स्ट्रेटेजी को नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टैक्टिकल फॉर्मुलेशन. टैक्टिकल फॉर्मुलेशन है कि स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या टैक्टिक्स यूज किए जाएंगे या क्या स्मॉल स्टेप्स लिए जाएंगे एक स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने के लिए. देन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली फीडबैक एंड कंट्रोल. फॉर इंस्टेंस माई बिजनेस प्लान इज टू एक्सपेंड माई बिजनेस या एक्सपेंड माई बिजनेस इन टू टू अदर कंट्रीज. तो मेरा गोल क्या हो गया, ये जो है मेरा मिशन है, ये मेरा चैलेंज है. इसके लिए मैं अपना पेस्ट एनालिसिस, अपना जो है वो पेस्ट एनालिसिस विच मीन्स एक्सटर्नल एनालिसिस भी करूंगी और स्पॉट एनालिसिस भी करूंगी. गोल अपना फॉर्म करूंगी कि आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई बिजनेस इन टू टू अदर कंट्रीज. इसके लिए स्ट्रेटेजी मैं क्या बनाऊंगी कि मैं अपने जो है ये स्ट्रेटेजी बनाऊँ कि जिस भी कंट्री में जाऊंगी वहां कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दूंगी और इस किस्म की डिफरेंट चीजें, और उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्मॉल स्टेप्स लिए जाएंगे वो होंगे टैक्टिक्स. इस तरह एक स्ट्रेटेजी होगी कि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, और उस कस्टमाइज प्रोडक्ट को मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगी या उन इस स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव किया जाएगा कि वहां के कस्टमर्स को या वहीं के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट में. नेक्स्ट इज आई विल इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दैट प्लान, एंड देन इज फीडबैक एंड कंट्रोल. द नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्लान. बिजनेस प्लान के अंदर ही जो सब प्लान है दैट इज द मार्केटिंग प्लान. डिवेलप फॉर अ प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट लाइन यूजुअली एनुअली. किसी प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट लाइन के लिए जो प्लान बनाया जाता है वो कहलाता है आपका मार्केटिंग प्लान. पैरेलल्स द बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान एंड कंटेन्स मेनी ऑफ द सेम कंपोनेंट्स. जो बिजनेस का प्लान होता है उसी उन्हीं गोल्स को, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के टुवर्ड्स जो है या उन्हीं को मीट करने के लिए आपका मार्केटिंग प्लान भी बनाया जाता है. आ मार्केट सिचुएशन एनालिसिस असेसेस द एनवायरमेंट अफेक्टिंग द मार्केट. आप सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्केटिंग प्लान को इफेक्ट कर सकते हैं. मार्केटिंग प्लान के भी उसी तरह स्टेप्स हैं जिस तरह बिजनेस प्लान के स्टेप्स थे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. मार्केटिंग के प्लान से आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स एसोसिएटेड हैं उनको आपने सेलेक्ट करना. आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी प्रोडक्ट को या आपकी प्रोडक्ट लाइन को क्या थ्रेट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है. सेलेक्ट टारगेट मार्केट. आपकी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट लाइन किन कस्टमर्स के लिए है, कौन सी सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स है जिसको आप टारगेट कर रहे हो. डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. आप कोर्स ऑफ एक्शन जो है फिर डिफाइन करें. नेक्स्ट इज डिजाइन एक्शन प्लान्स. एक्शन प्लान्स मीन्स टैक्टिक्स. आपने जो स्ट्रेटजीज यहाँ बनाई हैं उन स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए स्मॉल एक्शन प्लान्स बनाए. देन इज एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड द लास्ट वन एग्जीक्यूट इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इज मेजर द रिजल्ट्स एंड टेक एक्शन विच मीन्स फीडबैक एंड कंट्रोल. द एडवर्टाइजिंग और IMC प्लान. एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग प्लान के अंदर फिर आपका एडवर्टाइजिंग प्लान है या आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान है. फर्स्ट वन इज बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान ने आपको एक मेन गोल दिया या मेन फ्रेमवर्क दिया, उसके टुवर्ड्स आपने बनाया मार्केटिंग प्लान, और उस मार्केटिंग प्लान के अंडर लाई करते हैं आपका एडवर्टाइजिंग प्लान, और ये तीनों के तीनों प्लान गोल्स को अचीव करने के लिए यूनिफॉर्मली काम करें. तो एडवर्टाइजिंग प्लान है आपका. एडवर्टाइजिंग और IMC प्लान इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स लाइक बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान. एडवर्टाइजिंग प्लान के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी मौजूद हैं, स्ट्रेटजीज मौजूद हैं और टैक्टिक्स भी मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके बिजनेस प्लान के अंदर थे या मार्केटिंग प्लान के अंदर थे. लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज और जो टैक्टिक्स हैं ये टोटली रिलेटेड है विद द एडवर्टाइजिंग. द फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन प्रोग्राम सपोर्टिंग द ब्रांड. लेकिन एडवर्टाइजिंग के जो यूजली ऑब्जेक्टिव होंगे या स्ट्रेटजीज होंगे वो फोकस्ड होंगे टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन प्रोग्राम, या लोगों को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, किस तरह से अवेयर किया जाए आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड. सो दिस इज ऑल फॉर टूडे.
अगर कोई क्वेश्चन है इन स्लाइड से रिलेटेड तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू सो मच.